नेक्स्ट मूव टू टेंथ सम. इफ एक्स में गिवन है एलिमेंट ए बी सी डी, वाई में एफ बी डी जी गिवन है, एक्स में एस वाई फाइंड करना है. फिर से सेम प्रोसेस, जो चीज़ सेम है वो कैंसिल कर देनी है, बाकी जो चीज़ बच जाएगी एक्स में वो सारे लिख देनी है. ए इसमें है, इसमें नहीं है तब भी लिखना है. बी वी से बी कैंसिल हो गया, सेम सेम है, और सी नहीं है इसमें तब भी लिखना है. डी है, डी कैंसिल हो गया. ये आ गया एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई कर्ली ब्रेसेस में ए कॉमा सी. ऐसे हमने हमने निकाला वाई माइनस एक्स. कैसे निकालेंगे, सेम सेम टाइम कैंसिल, बी बी कैंसिल हो गया, डी डी कैंसिल हो गया. क्या बच गया हमारे पास वाई में, एफ और जी. ठीक है, एफ और जी हमारे पास आ गया. नेक्स्ट आ गई एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना है, तो इसकी इंटरसेक्शन फाइंड करने के कॉमन एलिमेंट लिखने हैं इंटरसेक्शन में. बी और बी दोनों में है कॉमन, डी डी कॉमन है, तो एक्स वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर आ गया बी कॉमा डी. इसके साथ टेंथ पार्ट जो है कंप्लीट हो गया.